मुसलमानों का मुकद्दर तय नहीं कर पाएगा इसराइल। ईरान के IRGC प्रमुख की इसराइल को बड़ी धमकी। यहूदी शासन का होगा पतन। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे। श्रीलंका में वामपंथी दिशा नायके की आंधी, मिल गई प्रचंड जीत। अब देश में लागू होंगे ये बदलाव। बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। इसी के साथ आपको बताएंगे बड़ा दावा, ईरानी राजदूत से मिले एलोन मस्क, ट्रंप की तरफ से की बात। जानेंगे डिप्लोमेट और टेस्ला के चीफ के बीच किस मुद्दे पर हुई बात, आखिर क्यों है अहम। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। एक और तेहरान यहूदी शासन पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके कमांडर एक के बाद एक इसराइल को धमकियां दे रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर समुद्र के तेवर से ईरान का हौसला बढ़ गया है। क्षेत्र में शिया सुन्नी की खाई को पाटते हुए गाजा युद्ध ने इसराइल और सऊदी के बीच संबंध सुधार के तमाम रास्ते फिलहाल बंद कर दिए हैं। ऐसे में ईरान रोजाना इसराइल को चेतावनी जारी कर ये संदेश देने की कोशिश में जुटा है कि अब वो इसराइल को मनमानी नहीं करने देगा। दरअसल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी ने इसराइल को धमकी देते हुए बदला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी नजरें यहूदी शासन पर टिकी है और हम अंत तक लड़ेंगे। सलामी ने कहा कि ईरान इसराइल को मुसलमानों की किस्मत तय करने से रोकेगा और बदला लेगा। हम दर्दनाक हमलों से जवाब देंगे, बस इंतजार करो और देखो। वहीं IRGC के डिप्टी कमांडर अली फदावी भी यहूदी शासन पर जुबानी हमला करने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि जब यहूदी शासन का पतन होगा तो पूरी दुनिया झूठ पर सच्चाई की जीत की गवाह बनेगी। यह अल्लाह का वादा है कि अल्लाह का पक्ष जीतेगा और शैतानी ताकतों की हार होगी। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। तेहरान की हुकूमत ने इसे इस्माइल हानिया, हसन नसरल्ला और IRGC कमांडर नीलफरोशन के हत्या का बदला बताया। यही नहीं, इस हमले के बाद जब सुप्रीम लीडर खामिनी ने जुमे की नमाज में खुतबा पढ़ा तो इसराइल को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जरूरत पड़ी तो ईरान फिर हमला करेगा। 1 अक्टूबर के हमले का पलटवार इसराइल कर चुका है। उसने पिछले महीने की 26 तारीख को ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया था, जिसमें एक नागरिक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जैसा कि सुप्रीम लीडर खामिनी ने कहा था, जरूरत पड़ी तो ईरान दोबारा हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। माना जा रहा है कि वो मौका आ चुका है। ईरान ने इसराइली आक्रमण को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार तेहरान 13 से 14 अप्रैल और 1 अक्टूबर के हमले से भी कहीं ज्यादा घातक प्रहार कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के नेतृत्व वाले NPP गठबंधन को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है। शुक्रवार को जारी नतीजों में NPP ने श्रीलंका की संसद की 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसी बीच साजिद प्रेमदासा की समागी जना बाल वेगिया यानी SJB 35 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। श्रीलंका चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक काउंटिंग में NPP ने राष्ट्रीय स्तर पर करीब 62% या 68.63 लाख से अधिक वोट हासिल किए हैं। प्रेमदासा के मुख्य विपक्षी पार्टी SJB को करीब 18%, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे के समर्थन वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट NDF को महज 4.5% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति अनुराग दिशा नायके का श्रीलंका में समय से पहले चुनाव कराने का दावा कामयाब रहा। उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति के सलाहकार और श्रीलंका के पूर्व न्याय, वित्त और विदेश मंत्री मोहम्मद अली साबरी ने बताया कि कैसे जाफना जिले ने इतिहास में पहली बार दक्षिण में स्थित एक पार्टी को वोट दिया, जबकि तमिल पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। 55 वर्षीय वामपंथी लीडर अनुराग कुमारा दिशा नायके जनता विमुक्ति पेरामुना JVP के प्रमुख है। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वामपंथी पार्टी सत्ता में आई है। अनुराग को चीन का करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि श्रीलंका के 225 सीटों वाली संसद में बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती है। इनमें से 196 सीटों पर जनता के ओर से फैसला होता है, जबकि 29 सीटों के लिए
उम्मीदवार नेशनल लिस्ट के जरिए चुने जाते हैं। दलीय समूह अपने उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपते हैं और उन्हें मिले वोटों के अनुपात में सूची से उम्मीदवार चुने जाते हैं। गुरुवार को हुए चुनाव राष्ट्रपति अनुराग देसानायके के लिए पहली बड़ी परीक्षण थे। सितंबर में 42.31% वोट से राष्ट्रपति बने देसानायके की पार्टी को संसद में बहुमत नहीं था, इसलिए उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया। ये चुनाव 2022 के आर्थिक संकट के बाद हुए पहले संसदीय चुनाव थे। राष्ट्रपति चुनाव में देसानायके ने एकजी की यूट्यूब प्रेसिडेंसी खत्म करने, सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और IMF समझौता रद्द करने जैसे वादे किए थे। एग्जिट यूट्यूब प्रेसिडेंसी 1978 में लागू हुई थी, लेकिन इसे खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही है। अब संसद में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अनुमान है कि देसानायके बड़े बदलाव को लागू करेंगे, जिनमें संविधान संशोधन और प्रमुख सुधार शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, टेस्ला चीफ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के डिप्लोमेट आमिर सईद ईरानी से सोमवार को किसी गुप्त जगह पर मुलाकात की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोनों ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा की। ईरान से जुड़े दो सूत्रों ने NYT को बताया कि मस्क ने इस मीटिंग के लिए पहल की थी। वहीं ईरानी डिप्लोमेट ने जगह का चयन किया था। दोनों पक्षों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। सूत्रों ने कहा कि ईरानी डिप्लोमेट बातचीत से खुश नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरानी डिप्लोमेट ने मस्क को सलाह दी कि उन्हें सरकार से छूट लेकर अपना कारोबार ईरान ले जाना चाहिए। ईरान और मस्क ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि संयुक्त राष्ट्र में बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों को इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप टीम के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेंग ने कहा कि ये निजी मीटिंग हुई या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ट्रंप की सहयोगी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी लोगों ने राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप को चुना है क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा है। वो हमारे देश का नेतृत्व करेंगे और दुनिया भर में शांति बहाल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब माना जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 4 साल ईरान के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप ईरान पर और दबाव बढ़ा सकते हैं, इससे ईरान की इकोनॉमी और संकट में पड़ सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने CNN से कहा, अब मस्क ईरानियों से बातचीत कर रहे हैं। ईरानियों ने ट्रंप के परमाणु समझौते से बाहर निकलने से पहले ही अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं किया, इसलिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप ईरान के साथ खराब संबंधों के बावजूद डिप्लोमेसी जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में बराक ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ दिया था। उन्होंने इस समझौते को एक तरफा और अमेरिका के लिए नुकसानदेह बताया था। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। NYT के मुताबिक ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मस्क अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में उभरे हैं। ट्रंप उनकी सलाह पर कई काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपना फोन मस्क को दे दिया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी कहा था कि जब वो ट्रंप से बात कर रहे थे तब मस्क उनके साथ थे। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क ने ट्रंप के कैंपेन में बड़ा रोल निभाया था। वो पहले ऐसे चर्चित बिजनेसमैन रहे जिन्होंने खुलकर ट्रंप के पक्ष में प्रचार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप के प्रचार में करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।